डियर स्टूडेंट्स वेलकम। देखिएगा प्रश्न नंबर पांच, पांच का प्रथम सवाल है ए, पी कोष्टक पी माइनस क्यू कोष्टक क्यू क्यू माइनस आर एवं आर कोष्टक आर माइनस पी को जोड़िए। जोड़ करना है लेकिन उससे पहले इसको हल करना होगा। देखिए क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू को क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर को आर से गुणा करेंगे आर स्क्वायर माइनस आर क्यू। अब यदि इनमें कोई संख्याएं समान हैं तो आप देख लीजिए, अन्यथा आपके आंसर यही हो जाएंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। एक तरीका तो आपका ये वाला है, इस तरीके से आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं इसका क्या है। देखिए पहले इसको हल करेंगे, ये इसका सेकंड मेथड है। क्या है, पी कोष्टक पी माइनस क्यू बराबर हल करेंगे पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। सेकंड है क्यू कोष्टक क्यू माइनस आर, इसको हल करेंगे ये आएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर। थर्ड क्या है, आर कोष्टक आर माइनस पी, इसको हल करेंगे आर स्क्वायर माइनस आर पी। अब आपको बताया गया था जोड़ने की दो विधियाँ होती है, एक स्तंभ विधि होती है एक पंक्ति विधि है। ये जो जोड़ है वो पंक्ति विधि से है, स्तंभ विधि से कैसे जोड़ते हैं देखिएगा। पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, अब क्यू है इसके नीचे नहीं है, प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर। तीसरा है आर स्क्वायर माइनस आर पी, आर स्क्वायर माइनस आर पी प्लस, इसके नीचे भी नहीं आएगा, इसके नीचे यहाँ भी नहीं आएगा, इसके नीचे यहाँ भी नहीं आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, इसको एक साथ लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर पी क्यू क्यू स्क्वायर क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी। अब चूंकि इन्हें आरोह क्रम से लिखते हैं तो सबसे पहले आंसर आएगा पी स्क्वायर, फिर आएगा क्यू स्क्वायर, फिर क्या आएगा आर स्क्वायर। पहले घातांक के रूप में, पहले दो दो घात की उसके बाद एक ही, फिर माइनस का पी क्यू, फिर माइनस का क्यू आर, फिर माइनस का, ये इसका क्रम से आ जाता है। आर पी लिख दीजिए, पी आर लिख दीजिए, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। सेकंड सवाल इसका बी, जोड़ेंगे पहले इसको गुणा करेंगे। देखिए दो जेड एक्स माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स वाई, इसका हुआ दो वाई जेड माइनस दो वाई स्क्वायर माइनस दो एक्स वाई। सिंपल है हमारी विधि, इसको हल कर लेते। देखिए दो जेड एक्स माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स वाई प्लस दो वाई जेड माइनस दो वाई स्क्वायर माइनस दो एक्स वाई, यानी इस संख्या को ऐसे कैसे लिख दिया, केवल मात्र चिन्ह किसका लगाया हमने यहाँ पर, एक चिन्ह का चिन्ह लगाया है, इसका बताइए आप, केवल बीच में प्लस का चिन्ह लगाया। अब देखिए आंसर ही आ गए, अभी इनको क्रम से लिखेंगे, माइनस के
दो एक्स स्क्वायर माइनस के दो वाई स्क्वायर। अब ये दो एक्स वाई तो ये रहा और दो एक्स वाई ये हुआ, कितने हो गए माइनस के चार एक्स वाई प्लस दो वाई जेड प्लस दो जेड एक्स। हमारा आंसर क्या हुआ, माइनस का दो एक्स स्क्वायर माइनस दो वाई स्क्वायर माइनस चार एक्स वाई प्लस दो वाई जेड प्लस दो जेड एक्स। सिंपल सा। धन्यवाद।